हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑन नंबर सिस्टम। दिस इज़ दी सिक्स्थ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम एंड आज के इस पार्ट में वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए वी विल अगेन यूज ए टेबल, और इसमें भी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ओनली एक टेबल यूज़ करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो अगेन सबसे पहले मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले वी नो बाइनरी हैज़ बेस टू एंड इट हैज़ ओनली टू सिंबल्स 0 and 1, वेयर एज हेक्साडेसिमल हैज़ बेस 16 एंड इन दिस सिंबल्स आर फ्रॉम 0 to 9 एंड देन ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 16 सिंबल्स आर देयर एंड यू हैव टू मेक अ टेबल फॉर दीज 16 सिंबल्स एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ दिस टेबल टू कन्वर्ज फॉर कन्वर्जन। तो लेट अस सी हाउ टू मेक दैट टेबल। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ऑल द हेक्साडेसिमल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10 इज ए, 11, 12, 13, 14 and 15। तो दीज आर माई नंबर्स फ्रॉम 0 to 15 इन हेक्साडेसिमल। एंड इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग आप बाइनरी नंबर लिखोगे, फॉर एवरी हेक्साडेसिमल नंबर वी हैव टू राइट 4 बाइनरी डिजिट। मीन्स एवरी हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, और यू कैन से 1 निबल। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज ऑल्सो नोन एज निबल। तो जो फर्स्ट मेरा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, आई विल राइट 4 times 0। अब ये टेबल कैसे बनाना है आपने, तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें ऑल्टरनेट चलना है आपने, 0 1, देन 0 1, देन अगेन 0 1, देन अगेन 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 and 1। तो ये आपने 16 काउंट कर लेने। लेट अस काउंट दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 टाइम्स मैंने लिख लिया। सेकेंड कॉलम में आपने 2 times 0, 2 times 1, देन अगेन 2 times 0, 2 times 1, 2 zeros, देन 2 ones एंड 2 zeros and 2 ones। थर्ड कॉलम इज 4 times 0, 1 0 ये ऑलरेडी है, तो 2, 3 and 4 zeros एंड देन 4 times 1, अगेन 4 zeros एंड 4 times 1। देन लास्ट में यू विल राइट 8 zeros, तब देर इज 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 एंड लास्ट 8 are 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सो दिस इज द टेबल विच इज यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो यू कैन लर्न दिस टेबल। तो ये टेबल को लर्न करके आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल से ई है, तो ई की कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होगी, तो ई इज़ 1110। एंड अगर मेरे पास कोई नंबर बड़ा है तो उसका मेथड क्या है, एंड वी विल देन डिस्कस न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जब भी आपने कन्वर्जन करनी है, तो फॉर ईच हेक्साडेसिमल यू विल राइट ग्रुप ऑफ 4 bits। तो हेक्साडेसिमल आपको दिया गया होगा, फॉर एवरी हेक्साडेसिमल यू विल राइट 4 bits फ्रॉम दिस टेबल। एंड सिमिलरली जब आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करनी है, तो यू विल मेक ग्रुप ऑफ 4 bits। यू विल क्रिएट ग्रुप ऑफ 4 bits एंड फॉर 4 bits यू विल राइट द कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर। That will be discussed in the next slide in examples. So let us start with the example for reference. Again, I have represented the table here. You have to use this table. So this is for your reference. So let us start with the numericals. So my first question is, again, first I am only integer part. 3A7 is my hexadecimal number and you have to represent this in बाइनरी। आपने इसको बाइनरी में नोट करना है। तो सर देर आर 3 hexadecimal digits 3A and 7। तो यू विल सी
फॉर एवरी नंबर आई हैव टू राइट कॉरस्पॉन्डिंग फोर बिट्स, तो सेवन के कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स आर 0111, तो 0111. देन सेकेंड नंबर इज माई डिजिट इज ए, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ए इट इज 1010 इन द टेबल 1010. एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री, वट इज थ्री यू कैन सी इन द टेबल, इट इज 0011. Now after writing the number, if there are zeros on the extreme left, so you can leave these two zeros. ये दोनों zero आप छोड़ सकते हैं. So my answer is 1110100111 is the required number in binary number system. So this was my number without fraction. Now मैं एक example ले रहा हूँ with fraction. तो second question is, again you have to convert AB dot F7, this is hexadecimal and you want to convert it into binary. तो method इसका भी बिल्कुल same है, AB.F7. तो जहाँ पर dot है वहाँ पर आप dot लगाएंगे. B के corresponding, what is B? You can see in table it is 1011. And what is A? A के corresponding we have 1010 in table. तो this is my integer part. अब फ्रैक्शनल पार्ट पे आएंगे, मेथड इसका भी सेम है. एफ, व्हाट इज एफ? यू कैन सी एफ इज 4 times 1. एंड व्हाट इज सेवन? सेवन इज यू कैन सी इट इज 0111. सो दिस इज माय रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर. अगेन अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे कोई जीरो आएगी तो यू कैन लीव दैट जीरोस, अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट इज दी माई आंसर. सो इसमें कोई जीरो नहीं आ रही तो दिस इज दी आंसर. सो होपफुली आपको ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्लियर हो गया कंसेप्ट. अगेन आई हैव यूज ओनली वन टेबल विदाउट एनी कैलकुलेशन. तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. तो इसमें भी अगेन वी विल यूज द सेम टेबल एंड अगेन आई विल डिस्कस टू एग्जाम्पल, वन विद फ्रैक्शन एंड वन विदाउट फ्रैक्शन. तो मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, you have to convert 1011 then 001. This is the binary number and you want have to convert it into hexadecimal. तो इसमें आपने number लिखना है 1011001. तो इसमें आपने right side से start करके 4 के groups बनाने हैं. तो group of first group of 4 is 1001. Then दूसरा जो group incomplete है तो उसके लिए आप 4 का group complete करने के लिए you can add 0 on the left. तो यू मस्ट हैव कंप्लीट ग्रुप ऑफ फोर्स. तो जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है 1001, अब आपने इसको टेबल में देखना है ये कहाँ पे आ रहा है. 1001 यू कैन सी इट इज 9. 1001 इज 9. तो हेयर इट यू कैन राइट इट एज 9. एंड देन माई सेकेंड ग्रुप इज 0101. नाउ व्हाट इज 0101? यू कैन सी इट इज 5. तो इट इज 5. सो माई आंसर इज 59 इज हेक्साडेसिमल. तो इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग माई हेक्साडेसिमल नंबर इज 59. नाउ लेट अस मूव टू लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन विच इज अ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर. तो मैं फ्रैक्शन की एग्जाम्पल ले रहा हूँ. तो माई नंबर इज 1010111.11011. दिस इज अगेन ए बाइनरी नंबर एंड मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो अगेन मेथड इज सेम. तो आपने इसमें अगेन ग्रुप ऑफ 4 बनाने हैं, डेसिमल से लेफ्ट की तरफ और डेसिमल से राइट की तरफ. बोथ जो ग्रुपिंग है वो डेसिमल से स्टार्ट होगी. तो मैं यहाँ पे डेसिमल लिख रहा हूँ. तो लेफ्ट साइड 1101, दिस इज माई फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4, ये वाला 1011. देन नेक्स्ट मेरे पास 2 बिट्स बचे 01, तो मैं लेफ्ट में 2 जीरोस और ऐड कर रहा हूँ. राइट, सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड माई फर्स्ट ग्रुप इज 1101 एंड सेकेंड उसके बाद देर इज ओनली वन लेफ्ट, तो इसमें मैं 3 जीरोज ऐड कर लूँगा राइट की तरफ. राइट, सो 4 के ग्रुप कंप्लीट करने के लिए आप एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे 0 ऐड कर सकते हैं अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो. तो नाउ अगेन यू हैव टू यूज द टेबल. व्हाट इज दिस? यू कैन सी फ्रॉम द टेबल 0010 इज 2. उसके बाद 1011 इज, दिस इज हेयर बी.
तो दिस इज 2B डॉट, अगेन यू कैन सी 1101 फ्रॉम टेबल इट इज डी, एंड 1000 इज योर 8. सो माय आंसर इज 2B पॉइंट D8 इन हेक्साडेसिमल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नंबर. होपफुली अगेन आपको ये सारा समझ आ गया होगा. तो नाउ यू हैव वन एक्सरसाइज, यू कैन कन्वर्ट दीज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अलोंग विद आंसर्स आर गिवन फॉर योर चेकिंग. So thank you for watching and stay connected for more sessions. If you have understood, please like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a great day.